रो रही क्यों है? है मोरोकन टी बोलते इसको। हम लोग बहुत ज्यादा लूटे गए हैं ये देश से। आज आयशा के बर्थडे पे बीच पे आ ही गए हैं। अप्रेश जैसा शोहर सबको नसीब हो। तो हेलो गाइज, मैं हूँ अप्रेश और हम हैं फोकट। सो गाइज, आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। और गाइज, यहाँ पे अभी आयशा का बर्थडे सेलिब्रेट होने जा रहा है, बस थोड़ी देर ही बाकी है 12 बजने का। तो जैसे ही बजेंगे वैसे ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली। देखते हैं आयशा का रिएक्शन कैसा रहता है और फिर और हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो भी देखते हैं। हैप्पी बर्थडे। Happy happy birthday! अजीब ही है कि ना काटने के लिए तो कुछ दिए नहीं बेबा, ये को अभी मंगवा लेते। कैसा लगा बेबा? मस्त। अरे ले आ, मेरी बिटी, मेरी। I love you so much. मुझे चूड़ी लाने के लिए मिलता ना। Oh yeah. लेटर कार्ड। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ले बेबा। बेबा देखो, बेबा देखो। यस यस बेबा, बेबा देखो। ओहो बाय। भाई यहाँ हम लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया है, जहाँ हम लोग जाए वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना मिले। ऐसा कभी हुआ है जो इस बार हो जाता है? तो यहाँ पे भाई ने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लाया है, मोरोकन टी बोलते उसको। तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है ये मोरोकन टी। ठीक है, भाई को प्रैक्टिस हो गई है बहुत ज़्यादा। विभा नाइस, चलो बढ़िया। तो गाइस बर्थडे करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो जो कि बताएंगे अभी थोड़ी देर में आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता है उस जगह का नाम। तो अभी चल रहे खाला लोग आगे। कैसा लगा विभा बर्थडे का सरप्राइज? अच्छा लगा, मजा आई। बीवी, मेरी बीवी का बर्थडे, मेरी बीवी का बर्थडे। अल आयशा, अल खाला आगे चल रहे हैं। चलो अभी चलते हैं यार, थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पे भी लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है।
चलो अभी अभी हम लोग को पता चला है कि हम लोग बहुत ज्यादा लूटे गए हैं ये देश से बदला निकालना पड़ेगा अब कैसे कवर करें तो ऐसा हुआ कि हम लोग जो बुर्गा लिए यहाँ थोड़े सस्ते जहाँ से हम लोग ने खरीदे वहाँ सस्ते मिलते हैं और हम लोग ने वो चीज महंगी लेकर आया हाइफा के लिए और जो आयशा के लिए बुर्गा लिए वो बहुत ज्यादा महंगा ले लिया हम लोग ने। कोई बात नहीं कहीं और से कवर करते वो नाइफ सूप जाके तोड़ दाड़ के तो अभी यहाँ से इंशाल्लाह तोड़ ताड़ के आते नहीं तो उसके लिए नहीं कवर करेंगे उसके लिए बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं अभी अभी जीबीआर तो गाइस अच्छा जुमेरा ठीक नाइट बीच नाइट बीच जा रहे गाइस अभी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को फिर वहाँ क्या हो रहा है कैसा होता है। हम लोग यहाँ दुबई के नाइट बीच पे पहुंच गए हैं बस अभी गाड़ी पार्क लगा के बैठ जाते अंदर देखते कैसा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं आयशा बहुत टाइम से जब से दुबई आई है बीच चलो आज आयशा के बर्थडे पे बीच पे आ ही गए हैं। अरे हैप्पी बर्थडे आयशा बीच एक्सेस ऑफ डिटर कुछ तो लिखा है। तो गाइस यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है और एक पूरा ओपन बीच है कुछ इस तरीके का दिख रहा है गाइस देखो हाँ बेबा मस्त है ना। इसलिए पहने क्योंकि तुमको चलने का पड़ेगा ना ज्यादा इसलिए तो देखते हैं आगे है कैसा। पानी पानी में पैर डालोगे तुम? हाँ। नहीं क्या हाँ तो जूता गंदा हो जाएगा खराब हो जाएगा जूता। हाँ। पानी का कलर कितना वाइट है बाप लोग पानी में नहा रहे रात में चलो ना अरे भाई यहाँ सब नहा रहे जान क्या ये क्या है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे सब नहा रहे हैं अंदर पानी में इतनी रात को सुकून नहीं किसी को रात में नहाने गए थे लोग बाप रे बाप। अरे वाह वेरी गुड और कुछ बचा नहीं है क्या आपके पास? तो गाइस ये देखो यहाँ पे सब कैसा नहाने के लिए खड़े हुए हैं। ओह बेबा वैसा आवाज निकालो करो जाएंगे पानी में ना चलना प्लीज मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ ना मैं हूँ यहीं पर ही हूँ जाओ ठीक है देखो फिर देखो मजे लो यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा पानी में चल थोड़ा वॉक करते खाला लोग हम लोग को यहाँ ड्रॉप करके चले गए बोले थोड़ा तुम लोग घूम लो तुम लोग को अच्छा लगेगा यहाँ पे है ना बेबा चल। तो गाइस ये मिट्टी तो अपने जूहू चौपाटी से तो बहुत ज़्यादा साफ है यहाँ क्राउड भी थोड़ा ढंग का ही है जो टेंशन नहीं है आयशा को ऐसा आगे चलते हुए छोड़ना तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत थोड़ा उलझन हो रही मेरे को जूते वाइट जूते पहन के आया वाइट जूते खराब ना हो जाए। अरे माँ मेरी बीवी कहाँ जा रही है कहाँ अकेले टहल रहे हो जाओ ना पानी गाइस देखो पानी कितना साफ है पूरी जमीन दिख रही है बेबा और जूहू चौपाटी में तो कचरा दिखता है क्या जाओ पूरा जाऊंगी पूरा क्या जाऊंगी अबे वापस कार में ही जाने का अपने को रिटर्न भीग के जाओगे भीग के कहाँ जाओगे बच्ची को देखो गाइस कितनी प्यारी है माशाल्लाह अरे वाह बस ना बेबा जाओ पानी में जाओ मैं पूरा जाऊंगी नहीं जाओगे पूरा चलो अच्छा थोड़ा चल लो आ जाओ साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते। तो गाइस अभी यहाँ से फिर निकल के देखते कहाँ जाते ठीक है। विवाह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा गया? अच्छा अभी तो स्टार्ट था ठीक आगे आगे देखते होता है क्या पता नहीं मेरे को भी नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे सबसे अच्छा तो नहीं बहुत अच्छा बर्थडे मनाने है ना क्योंकि सबसे अच्छा तो आपके अब्बा ही मनाते थे है ना तो बस उनसे कंपेयर नहीं लेकिन हाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बहुत अच्छा बनाने हाँ बेबा अभी चलते हैं बहुत तेज सुसु आई है मेरे को थोड़ा बहुत लंबा चलने का अपने को। तो गाइस बीच तो बहुत अच्छा है रात में सब नहा रहे हैं यहाँ पे अलग ही इन लोगों का शौक है। हाँ बेबा बस ये है कि मेरी बीवी को भी वही शौक था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि हम लोग ने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेकर आए थे इसी वजह से। हाँ बेबा जान है ना किसी की कार में
लेकिन अच्छा लगा ना यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा, सुकून है एकदम, शांति, यहाँ पे टिकटॉक में बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे मुजफ्फरी फर्द, तो बस उससे ही अभी यहाँ पे से जूस लिया है, मिक्स जूस, पता नहीं अभी टेस्ट में तो अच्छा है ही है। अभी यहाँ से कहीं और जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक छोटा टूर कर रहे थे यहाँ पे बुर्ज अल अरब के पास हम लोग आए हुए अभी, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ साइड में एक वाटर पार्क भी है और ये बहुत अच्छा है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, ये पीने के बाद ना ऐसा मुंह में ना ऐसा फट रहा है, चट 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 चट, वो फूटता है ना वो फूट रहा है। तो ये गाइस ये देखो बुर्ज अल अरब मस्त है, चलो अभी चलते दूसरी जगह। तो गाइस यहाँ हम लोग मरीना के टाइम पे आए थे, इतना प्यारा दिख रहा रात में, ओहो क्या बात है। तो यहाँ से हम लोग जे बी आर की तरफ थे, वो पूरा एकदम रोमन जगह लग रही थी। चलो अभी चलते ग्रीस, ग्रीस तो कार में लगती है। ठीक है ठीक है, मस्त लग रहा है रात में दुबई, बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है। हाँ भाई आज का दिन तो हो गया और इतना ज्यादा मजा आई, खाला ने आधा दुबई तो ऐसी कार में बैठे बैठे इतना दिखा दिया हम लोग को, और इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। ये थे हमारी खाला यानी नाज मम्मी की बहन, कज़न बहन लगे, और मतलब मेरी मम्मी की भी कज़न बहन लगे, और इनकी अम्मी जो है वो हम लोग की नानी लगे, लेकिन उनको भी हम लोग खाला बुलाते, सबको खाला बुलाते हम लोग। अब तो अभी इंशाल्लाह जल्द ही आयशा को सब विशेस आ रहे, बर्थडे के विशेस, सबका रिप्लाई बहुत बिजी है, पहले पेमेंट करने में अब बर्थडे विश रिप्लाई करने में बिजी है। और अभी जाएंगे, अभी तो नहीं मतलब एक दो दिन में मतलब जाने वाले हम लोग खाला से मिलने, आप लोगों को खाला से भी मिलाते हैं, सबसे मैं कराऊंगी ब्रीज स्पेशल। मेरे को कुछ करने नहीं देना, तुम ऐसे नेचुरल ब्यूटी पे बहुत ऐसी प्यारी लगती है, जरूरत है क्या तुमको किसी चीज की, थोपने की कुछ जरूरत नहीं है तुमको, कुछ करवाने की जरूरत नहीं, ऐसी तुम बहुत प्यारी दिखती हो सच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह माहे माशाल्लाह माशाल्लाह आलाइशा। तो गाइज अल सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के लिए बस यही बोलना था, आयशा को तो आयशा की बर्थडे तो अभी चालू ही है, कल तो बहुत बहुत कुछ है, कल एक दिन में इतना सारा जगह, एक ही जगह थी, तुम बोलो ज्यादा जगह जो भी जाएगी, कैसे एक जगह है, पहले एक जगह थी बाद में चेंज हुआ पूरा अपना सब, प्यारे क्यों दिखते, मुझे ही दिखते कि तुम्हारे साथ रह के और खिल जाता हूँ, हाय हाय हाय, तो बीवी खुश हो जाती है ये सब लाइन से, गाइस आप लोगों को थोड़ा क्रिंज लगता है, बोला करो, बोला करो अपनी बीवी को, बोला करो, जताया करो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर बीवी से अगर कोई प्यार भरी बातें करे तो उसका मतलब ये नहीं कि निब्बा है या फिर ऐसा है वैसा है, बोला करो, अगर आपका भी भाई आपके भी डैडी आपकी मम्मी से, आपका भाई आपकी भाभी से अगर ऐसे बात करेगा, आपका खुद का शौहर भी अगर आप लोगों से ऐसे बात करे तो लोगों को अच्छा लगेगा, और जिसका दिल अच्छा रहता ना तो वो सामने अगर कोई बात है तो हम लोगों को खुशी होती है कि उसका आदमी कितने अच्छे से रखा है, कितना प्यार से बात कर रहा है, उसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि निब्बा है ये, क्या पागलगिरी है, कमरे में प्यार करो, कमरे में उससे मेरे में कुछ चेंजेस नहीं आया ना, नहीं आया बेबा, मैं एक बात बता, कमरे में प्यार किया, बाहर क्यों नहीं प्यार का इजहार नहीं कर सकते, बाहर जब मारा मारी कर सकते, गाली दे सकते, झगड़े कर सकते, तो बाहर प्यार भरी बातें भी तो कर सकते, मेरा वचन ज्यादा ना लगे, मैं एक बात नॉर्मल बता रही हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या है निब्बा निब्बी, लोगों देखे कंटा ला रहा है, मत देखो, आप बस अपने लिए दुआ करोगे या अल्लाह कि मेरा आदमी, मेरा शौहर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा भाई, मेरे भाभी, मेरी भाभियों को अच्छा रखे, मेरी बहनों को अच्छा रखे, ये दुआ करो, किसी को देख के दिल में बुरा मत लगाओ कि नहीं क्या है, अंदर करो, कमरे में करो, ये करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर कोई बाहर मारा मारी करेगा तो यही बोलोगे ना, क्या मार रहा है, प्यार कर ले, जो प्यार करेगा तो उसको बोलोगे क्या प्यार कर रहा है, मार ले, दुआ करो अपने लिए भी कि हमें भी ऐसा शोहर मिले, इंशाल्लाह सबको मिले, अल्लाह सब लड़कियों की नसीब अच्छी करे, अब्रेश जैसा मिले, अब्रेश नहीं, अब्रेश जैसा शोहर सबको नसीब हो, अल्लाह हर बेटी को इनके जैसा मिलना चाहिए। तो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं हमारे, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस ब्लॉग, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक बेल आइकन।